Yo, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to another new gameplay video. तो guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Last Dead Rule Survival. तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, अभी अपना चल रहा है Rampage Server, जिसमें कि हम लोग इसके अगले एपिसोड पे बैच ड्रॉप पे गए थे एंड बैच ड्रॉप से बैच को उठा के अपने बेस पे लाए थे. और फिलहाल गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वार मशीन फोड़ने के लिए. सर्वर का वार मशीन तो वैसे मैंने इससे पहले भी काफी बार फोड़ा है, लेकिन वीडियो पे आज तक मैंने कभी भी नहीं दिखाया. तो मेरे वीडियो पे आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाला है सर्वर का वार मशीन फोड़ते हुए, क्योंकि ऑपरेशन बेस में तो भाई मैंने काफी बार फोड़ा भी हूँ, वीडियो भी किया हूँ, लेकिन सर्वर के अंदर नहीं किया. सर्वर का वार मशीन का हेल्थ थोड़ा ज्यादा रहता है. फिलहाल इधर सामने की साइड पे गाइस एक बंदा है, पता नहीं भाई कौन होगा, बट इधर अपना टीममेट रोबोट से आरपीजी मार दिया भाई, वो नॉकडाउन तो हो गया. नल्ला बंदा होगा गाइस, ये सब बंदे ना अपने बेस देखने के लिए जा रहा होगा. ये देखो इधर से भी एक बंदा आ रहा था हिरन लेके, हिरन या जो भी है भाई ये पेड वगैरह लेके. ये देखो यहाँ पे बैक प्लेस कर रखा है बंदे लोगों ने, अपने बेस के अंदर बैच है ना, तो ये लोग भाई शायद से रेड करने की प्लानिंग वगैरह कर रहा होगा, जिसके कारण ये लोग चेक करने के लिए आ रहे हैं कि अपना बेस कैसा है. इधर की साइड पे एक और बंदा था, ये देखो भाई ये कहाँ कहाँ पे बंदे स्पॉन हो जा रहा है भाई. इधर बैग ला के रखा है, बैग ये मैंने फोड़ दिया भाई इसका बैग. चलो इनको तो हम लोगों ने भगा दिया, अभी मैं मैसम में बैठ जाता हूँ और फटाफट से चलते हैं हरवर की तरफ, क्योंकि हरवर पे ही हमको वायर मशीन देखने को मिलता है. तो हम लोग बस जा ही रहे थे तभी हमको रास्ते पे एक दो बंदे और नजर पे आ जाते हैं, जिसको हम लोगों ने आरपीजी से डाउन तो कर देते हैं, और इससे हमको भाई ये सब मिल जाता है, शॉटगन और थोड़ा बहुत बुलेट वगैरह. ये लूट लूट के हम लोग यहाँ से जैसे ही निकलने लगते हैं, भाई मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि पेड़ के पीछे जाके छुप रहा था. मैं हमेशा से उतर जाता हूँ, थोड़ा सा स्प्रे मारा, बट अपने सस्ता स्प्रे होने के कारण इसको ज़्यादा सा भी डैमेज नहीं जाता. तो भाई थोड़ा मैं क्लोज में जाने लगता हूँ, लेकिन उतनी देर में अपने टीममेट ने भाई रोबोट से आरपीजी मार देता है, और ऊपर से भाई ये सुअर भी इसको डैमेज दे रहा था. भाई साहब डब्ल्यूजी मिल गया बंदे से, मेरे को लगा आई थिंक नल्ला होगा, बट डब्ल्यूजी था, चलो सही है. तो दोबारा से मैं हमेशा में बैठता हूँ और यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट. ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हर्बर पे. यहाँ पर भाई मेरे को पता नहीं क्यों डैमेज हो रहा था, अच्छा तो रेडिएशन लग गया था, चलो कोई बात नहीं. मार्क्स तो अपने पास है ही भाई, इसको फोड़ने के लिए ना आपको काफ़ी सारे मार्क्स की जरूरत पड़ेगा, 5-6 मार्क्स ही लेके जाना भाई अगर आप इसको फोड़ने के लिए जा रहे हो तो. तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे दो बंदे आए इसे फोड़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं अकेला आता ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता. तो भाई आप इसको जब भी फोड़ने के लिए जाओ, एक दो बंदे साथ में ले जाओ, जल्दी फूट जाएगा, क्योंकि इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा होता है, और कम से कम 4000 बुलेट ज़रूर से लेके आना. बाकी यार इसको फोड़ने का ट्रिक तो भाई वही है, सेम टू सेम ऑपरेशन बेस जैसे, बस फर्क इतना ही कि इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा होता है, उससे डबल है भाई इसका हेल्थ. ओ भाई मैं फंस गया था उधर, बट रोटेट करके मैं बच जाता हूँ. खैर चलो ठीक है, अभी इसका चार्जिंग पोल है वो बाहर आ चुका है. इसके चार्जिंग पोल का भी हेल्थ बहुत ज़्यादा होता है यार, ऑपरेशन बेस में इतना ज़्यादा नहीं होता. लिटरली में एक एक चार्जिंग पोल फोड़ने के लिए बहुत टाइम लग गया था हमको. अगर आपका टैलेंट अच्छा खासा अपग्रेड हो रखा है तो अलग बात है, बाकी नॉर्मली भाई बहुत टाइम लग जाता. खैर चलो ठीक है भाई, हम लोग फटाफट से इसको फोड़ते हैं. और अगर आपको फोड़ना नहीं आता तो मेरी ऑपरेशन बेस वाली वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर गाइड करके बता दिया था कि आप लोग कैसे सोलो में काफी इजीली इसको फोड़ सकते हो. ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने वायर मशीन का हेल्थ काफी ज्यादा डाउन कर दिया है, बस एक दो बुलेट के अंदर ये अभी फूटने वाला. ऑलराइट गाइस, तो ये अभी पूरी तरीके से फूट गया है. अभी इससे देखो कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाता है, काफी अच्छे अच्छे सामान मिलता है. ये देखो इससे ना गाइस आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, जिसको कि आपको ऑपरेशन बेस में ट्रांसफर करना पड़ता है, और उससे आप लोग कोई भी गन को अपग्रेड कर सकते हो, लाइक फार्मास AKM और M24. आई थिंक तीन ही टाइप का गन वहाँ पे अपग्रेड हो पाता है, तो उसका कंपोनेंट यही से मिलता है गाइस. हर बार आपको कोई ना कोई एक मिलेगा, तीन गन में से एक गन का कंपोनेंट मिल जाएगा. फिलहाल वायर मशीन फूट चुका है, तो भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. अभी भाई फटाफट से हम लोग ऐसे निकलते हैं अपने बेस के लिए. हम लोग जो मेसा लेके आए थे यहाँ पर, वो मेसा पूरा गायब हो चुका है अभी गेम पे भाई. ये काफी गंदा ग्लिच चल रहा है. क्या होता है कि कभी कभी व्हीकल्स वगैरह ऑटोमेटिकली अपनी गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ पे चला जाता है भाई, आसमान में चला जाता है, कभी कभी जमीन के नीचे चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता. खैर अभी मेरे को भाई पैदल ही जाना पड़ेगा अपने बेस में, मेरे टीममेट तो भाई पैगा लेके उड़ गया. ऑलराइट गाइस, तो वायर मशीन फोड़ने के बाद मैं बस बेस की तरफ जा ही रहा होता हूँ, और तभी रास्ते पे एक बेस था जो कि कोई दूसरा टीम आके ना रेड कर रहा था, अपने टीममेट की नजरों पे पड़ती है भाई ये चीज. और फिर क्या था गाइस, हम लोग आ जाते हैं ठटपटी करने, फिर भाई मैं बेस में भी नहीं गया, सीधा यहीं पे आ गया इस बेस की तरफ. ये गाइस कोई और बेस नहीं, जो कि हम लोगों ने सर्वर के स्टार्टिंग पे मैं बेस के अंदर घुस गया था, फिर बंदे ने मेरे को बम से उड़ाया था, वही बंदे का बेस है भाई, वही बेस है. तो खैर यहाँ पे देख सकते हो एक बंदा है जो कि रैम के ऊपर चढ़ा हुआ है, चलो इसको मैं सबसे पहले डाउन कर देता हूँ यहाँ से. ऑलराइट गाइस, तो अभी देखते हैं फटाफट चल के कि बंदे के पास कुछ लूट वगैरह है भी या नहीं.
ओके तो फटाफट चलते इसके लूट के पास। ओके ओके ओ भाई ये तो नल्ला है यार, पता नहीं आई थिंक सारा लूट वगैरह ना इसकी छोटे से बेस के अंदर होगा। बंदा यहाँ पे दोपहर से आ गया था बट अपने टीममेट ने डाउन कर दिया था, मैंने फिनिश कर दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे पेटी वगैरह पड़ा हुआ है, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई पेटी पूरा का पूरा खाली हो रखा है। ये रहा गाइस वो बेस जो कि इन बंदे लोगों ने पूरा का पूरा खोखला कर दिया है, यानी कि पूरा ही सक्सेसफुल इन्होंने रेड कर दिया था, लेकिन एंड टाइम पे हम लोग आके यहाँ पे थर्ड पार्टी कर देते। इन लोगों ने इनका टीसी भी लगा के रखा है, भाई क्या टाइमिंग था। चलो यहाँ पे स्टील का कुछ आर्मर का सेट वगैरह पड़ा हुआ है, सभी लूट हमको उठाना पड़ेगा, इस टीसी को फोड़ना पड़ेगा। तो मैं गोली करके फोड़ने की कोशिश कर रहा था बट चलो चलो सबसे पहले यहाँ पे ना लूट वगैरह देख लेता हूँ। ये बंदे ना यहाँ पे दोपहर से आ सकता है, तो इस पेटी में क्या क्या है भाई। ओ भाई यहाँ पे तो गन वगैरह पड़ा है भाई, AKM मिल गया मेरे को यहाँ से। और ये बजूका कौन चला रहा है यार, मेरे को कबल लेना पड़ेगा। पता नहीं बजूका इधर किसने चला दिया, अपना टीममेट है आई थिंक, गाइस अपना ही टीममेट होगा यार। ये पीसी में बिना बैग खोलने पे लोडिंग बहुत ज्यादा लेता है। खैर यहाँ पर मैं इधर पेडी वगैरह चेक कर लेता हूँ अच्छे से। ओ भाई यहाँ से गाइस मेरे को कुछ ऑयल ड्रम बम और थोड़ा बहुत हैंडमेड भी मिल जाता है और सल्फर वगैरह भी पड़ा हुआ है। चलो चलो फटाफट से मैं उठा लेता हूँ और इनकी बम से ना मैं इन्हीं का बेस रेड करने जा रहा हूँ। अभी रुक जाओ जरा, ये पेटी पे इस पेटी पे भी कुछ भी नहीं है। ये जो रेडर लोग आए थे इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना के रखा है जहाँ पे शायद से उनकी थोड़ा बहुत लूट होगा और हो सकता है कि उसके अंदर हमको और भी बम मिल जाए, तो वो बेस तो हम रेड कर ही देंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस बेस को गिराने दो, क्योंकि इस बेस की छत पे ना अभी भी कुछ लूट वगैरह गिरा हुआ है। तो वो सारे के सारे लूट को नीचे लाने के लिए मेरे को ये बेस तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपना कैबिनेट। तो चलो फटाफट से ये सारे के सारे पैजल तोड़ दूंगा तो ये पूरा बेस ही गिर जाएगा। वैसे बेस तो है ही नहीं, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट बचा था इसके वजह से ही कुछ कुछ लूट नीचे आ ही नहीं रहा था, ऊपर ही अटका रहेगा, तो इसीलिए मेरे को इसको भी तोड़ना पड़ गया। ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पे जितने भी लूट है सारे के सारे लूट नीचे आ चुका है। ये रहा फर्नेस वगैरह का लूट, तो ये सब लूट अपने टीममेट वगैरह उठा लेगा। मेरा बैग ऑलरेडी फुल हो रखा है यार। ये जो रेडर लोग है इन्होंने ना भाई इधर एक छोटा सा बेस बना के रखा है, तो अभी टाइम है भाई इनकी बेस को फोड़ने का, क्योंकि ये लोग ना भाई इधर पीवीपी एरिया भी बना के रखा है और पीवीपी एरिया से अपने को काफी परेशान कर रहा था भाई, इधर से मारे जा रहा था ये लोग। तो मैं इसका रूफ ही तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। एक दो ऑयल ड्रम बम और चिपकाना पड़ेगा। ये ले भाई, अभी तो ये फूट ही जाएगा। भागो भागो जल्दी यहाँ से भागो। ओके तो ये फूटेगा जिनका रूफ ही अभी। ओके अंदर की साइड पे डोर भी है आयरन का, आयरन की डोर खुला हुआ था, बंदे ने शायद से खुला हुआ होगा और अपने टीममेट ने सीधा अंदर ही बजूका भर दिया था। मैंने डोर के ऊपर भाई जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही हैंडमेड वगैरह चिपका दिया और यहाँ पर डोर तो टूट चुका है, बाकी बंदा अंदर था, अपने टीममेट ने बंदे को डाउन कर दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं भी यहाँ पे डाउन हो गया था, शायद से मेरे ही बम के वजह से मैं डाउन हो गया था। तो कोई बात नहीं, अपना टीममेट यहाँ पे मेरे को रिवाइव कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो उनकी उस छोटी सी बेस के अंदर जो भी बैग वगैरह उनका था हम लोगों ने सारे बैग वगैरह तोड़ दिया। अभी वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, हमको अभी बस यहाँ से जितने भी लूट वगैरह गिरा हुआ है सभी लूट को उठाना पड़ेगा और ऐसे निकलना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली थर्ड पार्टी करके सारा का सारा लूट उठा लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस पता चलता है ये बंदे और कोई नहीं अपना ही सब्सक्राइबर भाई था। तो भाई हमारे बोल रहे थे कि यार हमको परेशान मत करो, हमको बैच वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, हम बस मजे के लिए खेल रहे। तो भाई पहली बात तो देखो यार हमको पता नहीं था, और दूसरी बात देखो यार जो भी भाई लोग बस मजे के लिए खेलते हो ना, बैच वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई ग्लोबल या रैंक खेलो, मेरा मतलब ग्लोबल सर्वर का रैंक खेल लो या फिर सीआरपीसी सीआरमिक्स का रैंक खेल लो, कुछ भी खेलो बट रैंक खेलो। बाकी ये रैंपेज वगैरह, ये रैंपेज ब्लडी, इन सब पे बस यार बंदे लोग आते बैच के लिए और इन पे ना बेस वगैरह बहुत ज़्यादा रेड होता है। ऑल राइट गाइस, तो उसके बाद हम लोग ऑफलाइन चले गए थे एंड हमारा एक बंदा जैसे ही ऑनलाइन आता है वो आके देखते भाई अपने बेस में रेड हो रहा था, और यहाँ पर देख सकते हो भाई ऊपर से बंदे ने रेड करना स्टार्ट किया है और बंदा अभी भी यहीं पे है भाई, रेड यानी कि कंटिन्यू है। लेकिन बंदा कोई भी वॉल वगैरह या सीलिंग वगैरह नहीं तोड़ रहा फिलहाल के लिए, हो सकता है कि उसके पास बम कम है और उसका बम अभी खत्म हो चुका है क्योंकि टाइटेनियम का सेक्शन निकला है और टाइटेनियम का सेक्शन तोड़ना भाई हर किसी का बस की नहीं है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो भाई अपना टाइटेनियम का सेक्शन निकल आया है, हम लोगों ने काफ़ी हद तक यहाँ पे टाइटेनियम पे अपग्रेड कर रखा है, तो रेड मारना उतना इजी तो नहीं होने वाला है। ये देखो उस बंदे का यहाँ पे पेटी वगैरह पड़ा हुआ है जो कि अपने बंदे ने मार दिया था। उस बंदे को मारने से भी कोई भी बम वगैरह नहीं गिरा था क्योंकि उसके पास बम था ही नहीं, ऐसा ही कुछ होगा शायद से। शायद से वो बंदा थोड़ा बहुत बम लेके आया होगा और रेड करने की कोशिश किया, फिर उसकी बम खत्म हो गया तो भाई उसके बाद नहीं तोड़ा कोई भी चीज़। खैर गाइस अभी हमको ये रिपेयर करना पड़ेगा पूरा जितना भी पार्ट वगैरह टूटा हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो उसके बाद हम लोग दोबारा से ऑफलाइन चले गए थे एंड दोबारा से थोड़ी देर बाद अपने बेस में रेड होना स्टार्ट हो जाता है। अपना सिर्फ एक बंदा ऑनलाइन था, वो हमको बुलाता है और अपने सारे के सारे बंदे तुरंत गेम पे ऑनलाइन आ चुके हैं। तो फिलहाल अपने बंदे देख सकते हो भाई फुल बजूका वगैरह लेके जा रहा है। चलो ठीक है, मेरे पास भी भाई फ्लैश है, सीधा जो भी बंदा दिखेगा उसके मुँह पे पड़ेगा भाई, बस बंदा दिख जाए एक बार। ओके भाई ये भी डैमेज हो रखा है पूरा। चलो मैं अपने टावर के ऊपर चढ़ता हूँ यार, चढ़ जा
ओके तो आप अपना एक बंदा बैठा हुआ है, हीलिंग वीलिंग कर रहा है, और भाई साहब ये क्या सीन हो रखा है भाई, बंदे ने इधर टावर बेस बना के रखा है और फुल टाइटेनियम पे अपग्रेड भी कर रखा है। इधर देखो सामने की तरफ रैंक पे आई थिंक बंदे वगैरह होगा, चला दूं क्या ये फ्लैश? भाई रुको यार रुको, अपने टीममेट ने बजूका चला दिया, मैं थोड़ा सा वॉइड करके चलाता हूँ। ओके तो यहाँ पर नीचे की साइड पे एक बंदा दिखता है, मैं ये चला देता हूँ, बट बंदे को तो जरा सा भी डैमेज नहीं जाता यार, ये क्या था? चलो कोई बात नहीं। ऑल राइट यार, तो ये जो सामने की तरफ रैम्प बना के रखा था इन बंदे लोगों ने, और रैम्प को पूरा इन्होंने आयरन पे अपग्रेड कर दिया। बाकी इधर से एक बंदा भगते हुए गया, मैंने स्प्रे दिया बस थोड़ा सा उसको डैमेज तो गया। इधर की साइड पे कोई बंदा आया क्या? नहीं आया भाई, और इधर से कोई बंदे का मुंह भी नहीं दिख रहा भाई, कोई थोबरा वोबरा दिखा दो यार। रैम पे एक बंदे का जरा सा मुंडी दिख रहा था, मैंने उसके मुंडी पे बजा दिया, बंदा वहीं पे नॉकडाउन हो जाता है। नीचे की साइड पे भी एक बंदा है, बैजल वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रुको जरा इसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके तो भाई ये बंदा भी डाउन हो चुका है यार, अपना कोई बंदा जाके ना लूट वगैरह उठा लो इनकी बस। ओके भाई ये देखो इधर से एक बंदा और भगते हुए आ रहा है, चलो इसको भी थोड़ा बहुत डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट यार मैंने इसको डैमेज तो दिया बट डाउन नहीं हुआ बंदा। चलो कोई बात नहीं, ये रहा बंदा दोबारा यहाँ पे आया। ऑल राइट गाइस, इसको भी डाउन कर दिया मैंने। ओके तो इधर से देखते हैं अभी कोई रैंप वगैरह पे है क्या। ओके तो रैंप पे एक बंदा दिखता है, एंड मैंने स्प्रे मारा भाई, बंदा डाउन हो गया। चलो बढ़िया यार, इस सर्वर पर मैंने ग्लाइडर अभी तक नहीं बनाया, ग्लाइडर होता तो मैं उनके रैंप के ऊपर जाके लूट वगैरह उठा लेता। तो इधर एक बंदा मुंडी वगैरह दिखा रहा था, इसके मुंडी पे एम करके भाई सारे के सारे बुलेट मुंडी पे चिपक गया। चलो ठीक है, बंदा तो डाउन हो गया, अपना एक बंदा चलो पेगासस लेके उसके अंदर चला गया, अभी उसको सारा का सारा लूट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ना भाई फटाफट से अपने आर्मर को उतार के हीलिंग कर लेता हूँ, एंड फिर फुल हेल्थ करके इनके ऊपर रश मारेंगे हम लोग, और इनकी टावर बेस पे रेड करने की कोशिश करते। वैसे तो यार इनका जो टावर बेस है वो पूरा टाइटेनियम पे अपग्रेड हो रखा है, लेकिन अपने पास भी भाई आ चुका है इन्हीं लोगों का बम। जब ये लोग अपने बेस में रेड मार रहा था ना, तब अपने बंदे आके इनको टपका दिया, और उनके सारे के सारे बम अपने हाथ लग जाता है, जिसके वजह से इनका रेड फेल हो जाता है। वैसे तो इस टाइम पे हमको लग रहा था कि शायद से उनकी टावर बेस को और भी बम वगैरह होगा, बट ऐसा नहीं था भाई, उनका जितना भी बम था ऑलरेडी अपने हाथ लग गया था। खैर मैं अभी फटाफट से चलता हूँ नीचे की साइड पे। यार ये पासवर्ड वगैरह अभी तक मैंने खुला नहीं, छोड़ो यार बाद में खोलूंगा, मैं ऐसे दरवाजे से ही नीचे चला जाता हूँ इधर से ही। ऑल राइट तो फटाफट से भाई बाहर जाना पड़ेगा, अपने सारे के सारे टीममेट बाहर चला गया ऑलरेडी, मेरे को भी जगह कवर देना पड़ेगा उनको। ओके 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 तो इधर से एक बंदा अगर भगते हुए जा रहा है, अपने टीममेट को डाउन किया और मैंने इसको डाउन किया। चलो बढ़िया, अभी अपना एक टीममेट इधर डाउन हो रखा है। चलो भाई तुम ना दोबारा से रिस्पॉन होकर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इधर मैं एनिमी का गन वगैरह उठा लेता हूँ, इधर चलो रिवाइव कर ही देता हूँ भाई। तो इधर मैं रिवाइव करने बैठा बट पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया और अपना टीममेट मर जाता है। लेट्स गो गाइस, तो इसकी टाइटेनियम की वॉल के ऊपर मैं कुछ C4 वगैरह चिपका देता हूँ। वैसे ऑलरेडी अपने टीममेट ने इसकी वॉल के ऊपर C4 चिपका दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, बाकी थोड़ा बहुत हेल्थ था जो कि मैंने C4 चिपका के तोड़ दिया है। कैबिनेट भी अभी फूट चुका है, कैबिनेट प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ओके भाई प्लेस क्यों नहीं रहा? ओके ओके तो अपना टीममेट ने भाई कैबिनेट यहाँ पर प्लेस कर दिया था, एंड फाइनली गाइस हम लोगों ने इनकी टावर बेस को भी उड़ा देते थे, और इनके सारे के सारे बम भी अभी अपने हाथ लग जाता है। इनकी टावर बेस तो और कुछ बम नहीं था, जितना था उतना ऑलरेडी अपने हाथ लग गया था। खैर गाइस इसी के साथ साथ हम लोग ये सर्वर भी विन कर जाते, सर्वर खत्म होने का बस और 2 घंटे ही बचा। ये तो खैर अपना ही बंदा था, नहीं नहीं गाइस अपना बंदा नहीं था यार, एनिमी था। समझ ही नहीं आता भाई कौन अपना है कौन एनिमी है, क्योंकि 2 लीजन एक साथ मिलके खेल रहे हैं ना। इसके बाद अपने बेस में रेड करने के लिए और कोई भी बंदा नहीं आया था, सर्वर बस खत्म होने ही वाला है। तो चलो गाइस यार आज के इस वीडियो पे इतना था, आई होप आप सभी लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। You're my